दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अभ्यर्थियों, आपके जीके के एग्जाम में भारतीय मंदिरों के स्थापत्य कला के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। स्थापत्य कला से भाव है आर्किटेक्चर, यानी कि यहाँ पर हम टेंपल आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। जो भारत में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ है, उन्हें किस शैली में या किस स्टाइल में उनको बनाया गया है। भारत में तीन जो निर्माण की शैलियां अपनाई गई हैं। उत्तर भारत में जो मंदिरों के निर्माण की शैली को अपनाया गया है, उसे कहा गया है नागर शैली। और भारत के दक्षिण भारत के हिस्से में जो मंदिरों के निर्माण की शैली को अपनाया गया है, उसे कहा गया है द्रविड़ शैली। और भारत के वो मंदिर जहां पर नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रित रूप से इस्तेमाल किया गया है उस मंदिर के निर्माण में, उसको कहा गया है वेसर शैली। विद्यार्थियों, आज हम नागर शैली में बने मंदिरों की बात करेंगे, जिनको के मुख्यतः आठ संरचनाओं में बांटा गया है। और वो आठ संरचनाएं कुछ इस तरह से है: गर्भगृह, मंडप, शिखर, आमलका, कलश, अंतराल, जगती और वाहन। विद्यार्थियों, गर्भगृह मंदिर का अति पवित्र स्थान होता है और वहां पर मुख्य देवता को निवास करवाया जाता है। इसके बाद मंडप वह स्थान होता है जब मंदिर में प्रवेश करने के बाद सभी उपासक इकट्ठा होते हैं और बहुत सारी ऐसी पूजा पाठ की जो क्रियाएं करी जाती हैं, या भगवान को जो याद किया जाता है, या फिर और भी बहुत तरह के नृत्य या मनोरंजन की जो क्रियाएं की जाती हैं, वो मंडप में ही की जाती हैं। इसके बाद आता है शिखर। शिखर वो एक आकृति, ऊंचाई वाली आकृति, जिसको हम टावर के रूप में दूर से मंदिर को देखते हैं, उसको कहा जाता है। ये एक घुमावदार आकृति होती है और इसके ऊपर एक और आकृति को खड़ा किया जाता है, उसको कहा जाता है आमलक। आमलक वो आकृति है जिसके ऊपर कलश को स्थापित किया जाएगा। तो शिखर के ऊपर आमलक, आमलक के ऊपर कलश। नागर शैली के मंदिरों में कलश मंदिर का सबसे ऊंचा स्थान है। उसके बाद है अंतराल। अंतराल जो है वो गर्भगृह और मंडप के बीच का एक संकरा रास्ता होता है, जहां से मंडप से होते हुए और अंतराल से होते हुए गर्भगृह तक पहुंचा जाता है। उसके बाद जगती मंदिर का वह स्थान है जो एक ऊंचा चबूतरे नुमा स्थान होता है, जहां बैठकर प्रार्थना की जाती है। इसके बाद बहुत अति महत्वपूर्ण जो आपकी संरचना है वो है वाहन। गर्भगृह के बिल्कुल ठीक सामने एक बहुत पिलर नुमा, एक स्तंभ नुमा बहुत ऊंची ध्वजा को लहराया जाता है और वहां पर उस स्तंभ के ऊपर उस देवता का, जिस देवता से संबंधित मंदिर है, उसका वाहन बैठाया जाता है, उसे कहा जाता है वाहन।